व्हाट इज़ अप एवरीवन, वेलकम टू गेमिंग विद अभिनीत। और टेस्ट मैच खेलने आ चुके हैं भैया वेस्ट इंडीज़ के साथ, वेस्ट इंडीज़ में ही, और मज़ा आने वाला है। यहाँ पे कितना नीचे भेजने वाले हैं हमें, तो टू डाउन, वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन पे आएंगे। ओके, पांचवें नंबर पे आएंगे भैया हम। श्रेयस गोपाल कप्तान बन चुके हैं, क्या बात है। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी, ड्राई हार्ड ट्रैक है। वेस्ट इंडीज़ में हम रिसेंटली अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उम्मीद यही है भैया यहाँ पे भी ऐसा ही हो। और कैप्टन हम नहीं है वेस्ट इंडिया के, कैप्टन नहीं है, काफ़ी दिनों बाद कमेंट्री कर रहा हूँ यार। तो हेड्स का है इंडिया ने, और भैया क्या आने वाला है। तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत लिया, टॉस स्पेशलिस्ट हम हैं यार, अगर टॉस जीतने था तो हमें कप्तान बना देते। क्या लेंगे, ये गेंदबाजी ले लें, मेरा बैटिंग करने का मानना है, क्या बात है, मज़ा आएगा। तो चलिए भैया भले बाजी शुरू करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। टेस्ट मैच काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, शुरू करते हैं। दो मैच खेले हमने, 127 रन बनाए हैं, 150 है उसमें, तो भैया यहाँ पे मज़ा आएगा। क्विकली पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जगदीशन 15 रन बना के आउट हो गए, प्रशांत चोपड़ा 89 और राहुल त्रिपाठी भी 0 पे आउट हो गए। सलमान शील्ड्स 63 पे खड़े हुए भैया। और बॉलिंग देखा जाए काफ़ी कुमार रोच है, कुछ प्लेयर्स हैं अभी भी वेस्ट इंडीज़ के पास जो पुराने हैं, जैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता डैरन या ड्वेन ब्रावो कौन से है। तो चलिए ये तो स्कोर कार्ड था भैया। क्विकली यहाँ पे दो बातें मैं कर लेता हूँ। पहली बात, करियर मोड की वीडियोस हमारी स्लो हो गई है, उसका सिर्फ एक रीज़न है यार, क्योंकि इंडिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है, तो उसकी वीडियोस डाल रहा हूँ। आई थिंक अब एक दो मैचेस, जब तक ये वीडियो आएगी शायद एक मैच बचा होगा, तो एक मैच बचा होगा, उसके बाद फिर वो टाइम जो है मैं करियर मोड की वीडियोस की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो आराम से वो डलती जाएगी। दूसरी बात है लाइव आने की भैया, तो लाइव भैया सैटरडे रात को मैं 10:30 बजे और संडे रात को 10:30 बजे आऊँगा। सैटरडे रेसलिंग करियर मोड है, वो खेलेंगे, कोशिश करेंगे 2-3 घंटे खेल के जितना होगा कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्रिकेट का हम खेलेंगे भैया, आईपीएल स्टार्ट करेंगे जो अपने प्लेयर्स का बनाया होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे जो मैंने रिसेंटली एक एपिसोड डाला था, वो भैया मैंने बहुत पहले आपको अनाउंस किया था, रोड टू आईपीएल ट्रॉफी, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, आपस में कुछ लेना देना नहीं है उनका। जो लाइव होके हम खेला करेंगे उसमें प्रॉपर आईपीएल आपके चार प्लेयर्स वाला जो होगा वो चला करेगा, और इसकी मैं वीडियो डाला करूँगा, बहुत अलग डाला करूँगा, इसको टाइम लगा करेगा हर एपिसोड को, क्योंकि जो भी है। तो ये बातें थी यार दो यहाँ पे। और सैटरडे जैसे मैंने कहा रेसलिंग खेलेंगे 10:30 बजे। यार मुझे पता है कुछ लोगों को ये टाइम सूट नहीं करेगा, कुछ को करेगा, बट भाई मैं क्या करूँ, दिन में कई बार कोशिश कर ली, लाइव स्ट्रीम हमारे सेट बैठ नहीं रहे, तो कोशिश कर लेते हैं रात को कुछ दिन करके देखते हैं, अगर सही रहता है सब कुछ सही है, वरना फिर कोई और टाइम सोचेंगे। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस टाइम को 10:30 को लेके, तो एक बार कोशिश करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया टेस्ट मैच, बहुत बातें होगी। तो स्मिथ गेंदबाजी करा रहे हैं, टेस्ट मैच है, पहली बॉल टशन में स्टॉप करते हैं, अच्छा डिफेंस वहाँ पर। तो इस मैच में भी वो ऑफ ही रखे भैया। चलिए तीसरी गेंद, शॉट ठीक है, पहला रन फाइनली हमारा आएगा 135 के आसपास की ये स्पीड, पहला रन टेस्ट मैच में, तो अच्छा खेल जाए यार। अब आए हैं गेंदबाजी कराने, और 6 ओवरों में 33 रन दिए, लेफ्ट आर्म बॉलर है एक अच्छा सा अपना, जिसे कहते हैं एंगल बना के आएंगे भैया ये। चलिए भैया डेनिस डंकन कंटिन्यू करेंगे, और क्या बढ़िया फील्डिंग रखी है इन्होंने, लेकिन बॉल बिल्कुल फील्ड के हिसाब से नहीं थी। शॉट ये अच्छा है, आवाज़ ही बहुत प्यारी थी, लेकिन भैया मुझे लग नहीं रहा 4 रन होंगे ये, 3 रनों से खुश होंगे हम वहाँ पे, पर चलिए 3 रन भी बहुत है इस टाइम, जल्दबाजी कोई नहीं है, बड़ा स्कोर बना के देना है वेस्ट इंडीज़ के सामने। 500 रन भी पूरे हो गए हमारे, चलिए 500 रन पूरे हो चुके हैं ओवरऑल इस इनिंग में, नहीं ओवरऑल भी नहीं, आई थिंक लास्ट जो आया था उसके बाद। और ये था करारा शॉट, 4 रन जाएंगे, फील्डर्स ज़्यादा हिल भी नहीं पाए, और हिलेंगे कैसे भैया, इतना जोर से लगाया था ये कवर ड्राइव, आई थिंक पहला हमारा अच्छा शॉट था ये। 5वीं गेंद इस ओवर की, और अब पुरानी वाली फील्डिंग आ गई है, तो भैया ये शॉट मारना बन गया था, ऑफ साइड पे काफ़ी बड़ा गैप आ जा रहा है इस फील्डिंग से, और आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल आ रही है, तो भैया बहुत अच्छा चौका लग रहा है, स्लिप्स खड़ी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये शॉट हम अच्छा खेलते हैं तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। चौका एक और आता हुआ, 199 अब टीम का स्कोर हो चुका है। चलिए लास्ट बॉल आएगी, हम 14 रनों पे पहुंच चुके हैं, अच्छी गेंद थी ये,
अंदर को आई, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा खेला है। ये भी 4 रनों की तरफ जा रही है, लेकिन पहुंचेगी कभी भी नहीं। 3 रन मिल जाएंगे शायद, भाग के 4 भी मिल जाए, वैसे कोशिश की जाए तो मिल ही जाएंगे आई थिंक। बिल्कुल 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 मिल जाएंगे, क्या बात है। तो भाग के 4 रन पूरे हुए, टीम के 200 रन पूरे हुए, बढ़िया। चलिए दूसरी गेंद यहाँ पे, ये शॉट अच्छा है, कैप में निकल जाएगा 4 रनों की तरफ, क्या बात है, बहुत ही अच्छा चौका। ऑफ साइड हमारी बहुत स्ट्रांग हो रही है भैया, हमारे फेवरेट, वैसे मेरे फेवरेट प्लेयर सौरव गांगुली है यार। और चलिए कीमो पॉल कंटिन्यू करेंगे अगली गेंद उनकी। ओह करारा, एक और चौका, क्या बात है। नहीं होगा यार, नहीं होगा, चौका नहीं होगा, 3 रनों पे खुश रहेंगे हम। 4 ले, रहने दे रहने देते यार, स्टेमिना भी इम्पोर्टेंट है, बना के रखते। तो एक विकेट और वहाँ पे गिर चुका है, श्रेयस गोपाल आ चुके हैं और 219 पे 4। इतनी बढ़िया हालत है नहीं अपनी टीम की इस टाइम, बैटिंग एक बार यार मैं देखना चाहता हूँ। उस टाइम मैंने टीम की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अंकुश पेंस मुझे याद है, अच्छे बैट्समैन है, और राहुल चहर है इस टीम में, पृथ्वी राज, अविश खान, ये तो बॉलर्स होंगे, और अखिल गोस्वामी को मैं जानता नहीं हूँ। श्रेयस गोपाल कर सकते भले बात ही, पता नहीं क्या टीम बन चुकी है हमारी। चलिए दूसरी गेंद, स्मिथ कंटिन्यू करेंगे, 2 विकेट लिए भैया इन्होंने, हमारी तीसरी ना हो। ये शॉट अच्छा है, इस साइड वाला बहुत गैप है, आज हमने शायद सारे ही शॉट इस साइड खेले, गैप इन्होंने एक इस साइड दिया है, बॉलिंग भी इसी साइड करा रहे भैया, ये खुद कह रहे हैं इधर को मारो। आई थिंक इन्होंने स्लिप्स रखी है, क्लोज इन फील्डर रखा हुआ है, तो सोच है कि भैया कवर ड्राइव के चक्कर में एज उज लगवा देंगे, बट अभी तक टच वुड ऐसा हुआ नहीं है। चलिए 58 ओवर्स हो चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कि कभी ये लेग साइड पे आए, बट ये लेग साइड पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ये भी ठीक शॉट है, 4 रन निकलेंगे, इस बार निकल जाएंगे। शॉट जो था जोर से मारा था, और एक और चौका, क्या बात है भैया, एक और चौका आता हुआ, बढ़िया कवर ड्राइव, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। 58.1 ओवर्स, हम 32 पे पहुंच गए यार, पता ही नहीं लगा वहां पे। चलिए अगली गेंद, ये भी चौका जाएगा, ये तो इजी हो गया यार इस टाइम पे थोड़ा। आई थिंक जो ये ज्यादा बाहर जा रहे हैं उन बॉलों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, और बिल्कुल मिडल पे लग रही है बैट की। आई थिंक देख सकते हैं क्या हम, अगर यहाँ पे बैट देख सकते हैं भैया, देखिए एज मोस्टली लगा ही नहीं है, और जूम हो सकता है थोड़े से, 2 की डॉट्स है एज की तरफ, बट फाइनली लाल कर दिया भाई बैट हमने बीच में से। चलिए भैया चौथी गेंद, कीमो पॉल कंटिन्यू करेंगे, और ये लेग साइड पे कुछ ज्यादा ही आ गए। 4 रन मिल जाएंगे, वाइड तो नहीं होगी। रॉस साइमंस वहां पे पाई का चौका देते हुए, काफी स्विंग हुई, हम अलग ही शॉट खेलने चले हुए थे, बॉल अलग ही चली गई, तो कुछ फील्डिंग में भी चेंज हुआ है फाइनली। चलिए पांचवी गेंद, और फील्डिंग में फाइनली कुछ चेंजेस हुए, काफी बाहर की लाइन, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसको खेलने का। चलिए भैया लास्ट बॉल आ गई है इस ओवर की, और ये भी नहीं रुकेगी, एक और चौका ऑफ साइड के आसपास। आई थिंक हम 3-4 बॉलें छोड़ देते हैं, उसके बाद एक चौका लगा दे रहे हैं यहाँ पे इजीली। 244 for 4, श्रेयस गोपाल भी 6 रनों पे पहुंच चुके हैं, कीमो बॉल ओके कंटिन्यू कर रहे हैं, बाउंस बहुत कम है, ये आराम से शॉर्ट बॉल मैंने फ्रंट फुट पे स्टॉप की है, हैरानी की बात है यार, हार्ड ट्रैक है ये। चलिए भैया तीसरी गेंद आ गई है इस ओवर की, और एक और चौका, क्या बात है, बहुत ही अच्छे चौके लग रहे हैं वहां पे, हालांकि एक ही तरफ लग रहे हैं, पर लग बहुत अच्छे रहे जब लग रहे हैं। ये वाला गैप इन्हें भरना होगा भैया, तो ये हमारा अभी तक का वैगन व्हील है भैया। टोटली एक शॉट हमने लेग साइड पे खेला है, सब कुछ ऑफ साइड पे ही चला हुआ है यहाँ पे तब से। चलिए जो भी है, चौथी गेंद आ गई, 44 रन हमारे। इनकी कोशिश यहाँ पे भैया कामयाबी में बदल जाती, तो फाइनली अब राउंड भी आ गए, चक्कर नहीं समझ आया, पर चलिए अच्छी बात है यार, ये बिल्कुल हुक पुल पे जा ही नहीं रहे। चलिए भैया अगली बॉल ये लीजिए, फाइनली लेग साइड का चौका आता हुआ, और खराब गेंद थी ये, बहुत ही बार लेग साइड गए, और इन्होंने रिप्ले भी नहीं दिखाया यार।
तो चलिए भैया, 47 रन्स टंकिन ने दिए हैं, 48 रन्स पे हम खेल रहे हैं, और बढ़िया शॉट है ये, 2 रनों की ट्राई तो रहेगी रहेगी। वैसे मुझे लग रहा है चौके की तरफ जाएगी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा अच्छा तक आता हुआ वहां पे। आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है, कोई खराब शॉट नहीं आया इसमें, 10 चौके आए हैं तो 40 रन तो यही हो गए भैया। क्या बात है, बहुत अच्छी 50, लेकिन काम आधा है अभी, आज तो शतक बनाना है भैया। जल्दी बोल दिया टचवुड, पर चलो 52। ओ भाई क्या बात है, क्या बढ़िया चौके लग रहे हैं यहाँ पे, ये पिच बढ़िया लग रही है, बैटिंग वाली पिच लग रही है, बहुत ही अच्छा चौका था ये तो। 551 पे पहुंच चुके अब हम। चलिए तीसरी गेंद इस ओवर की, इस पार डॉट बॉल रहेगी। चलिए अभी अगली गेंद, चौथी गेंद, और शॉट ये भी अच्छा है, 2 रनों की ट्राई रहेगी, बिल्कुल मिल जाएंगे, 3 आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ही ठीक रहेगा, तो बढ़िया डबल आता हुआ 58 पे पहुंच जाएंगे हम। चलिए पांचवी गेंद आती हुई, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ये भी बढ़िया शॉट है ये तो भैया, बहुत ही अच्छा चौका है, एक और चौका आता हुआ, काफ़ी देर वेट की है इस बार हमने चौके के लिए, बट जब आया है बहुत ही अच्छा चौका, एक और कवर ड्राइव का, कवर ड्राइव स्पेशलिस्ट हो गए इस टाइम हम। चलिए 62 रन्स पे खेल रहे हैं, अगली गेंद इस ओवर की, ये भी कवर ड्राइव लगेगा, ये भी चौका जाएगा, ये भाग कितनी स्लो रहे हैं फील्डर्स इनके, तो जैसे बंदे जॉगिंग कर रहे होते मजे मजे से, कि छोड़ यार अब तो निकल की क्या पकड़नी है। तो भैया अब आए हैं केमार रोच वापस, पाई का चौका मिलेगा, मुझे तो चल पहली बॉल है यार स्टॉप कर देता हूँ, बट ये तो वाइड का चौका मिल गया, बैट लगा देते तो शायद हमें भी चौका निकल जाता पीछे से, बट फील्डर खड़े थे तो नहीं मिलता। चलिए भैया अगली गेंद आती हुई, ये क्या बॉलिंग है यार ये। एक और चौका, बाई का चौका, तो वेस्ट इंडीज यहाँ पे कहता है ऐसे नहीं भैया, हम भी आपकी मदद करेंगे, कितने भाई के रन दे चुके हैं, कहाँ से पता चलता है यार, यहाँ पे लिखा होता है ना कि यहाँ वो लिखे, सात सात कैसे हुए भाई, 8 भाई के, ओके 8 भाई के, 7 वाइड के, मतलब टोटल यार देखा जाए 18 रन ये दे चुके हैं, कम दिए वैसे मुझे था, ज़्यादा दिए इन्होंने, चलिए जो भी था। तीसरी गेंद आती हुई इस ओवर की, चलिए फाइनली आई थिंक पता नहीं कितनी देर बाद 1 रन लिया हमने, और फाइनली सिंगल आता हुआ, उल्टी कहानी हो गई, चौके बढ़ रहे सिंगल नहीं हो रहे, तो ये सिंगल इसी बीच। 70 ओवर हो चुके हैं, 287 अब टीम का स्कोर, हम खड़े हैं 67 पे, और फाइनली अब वेस्ट इंडीज की तरह बॉलिंग करा रही है, अब भी इन्हें दिख रहा है शॉर्ट बॉल्स आ रही है, जिसकी मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, अभी तक इतनी शॉर्ट बॉलिंग कराई नहीं इन्होंने, अब लगे अगली गेंद, इस बार रन नहीं मिलेगा। चलिए भैया थर्ड बॉल अब इस ओवर की, बिल्कुल टाइमिंग नहीं आ पाई, मैं कब से इस बॉल की वेट कर रहा था, और फाइनली जब ये बॉल आई भैया तो टाइमिंग ही नहीं आई। तीसरी गेंद आ चुकी है, अरे यार दो, नहीं 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 भाई आउट हो जाऊंगे। 73 ओवर हो चुके हैं, 296 अब टीम का स्कोर हो चुका है। चलिए अगली गेंद, ये अच्छा शॉट है वैसे, फील्डर पीछे हैं लेकिन बॉल यहां पे जीत जाएगी, 4 रन, ये बढ़िया शॉट था यार, बहुत ही सही जगह पे खेला गया शॉट, एक और चौका वहां पे, और जल्दी से कप्तान आ गया कि भाई कर क्या रहा है, डांस टून्स भी कर रहा है, फील्ड फैला दिया वेस्ट इंडीज ने, 74 रनों पे पहुंच चुके हैं। चलिए अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन कोई फायदा नहीं, आई थिंक रिसेंटली हमने जो एल टू आर टू से खेलना शुरू किया उससे हमारी बैटिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आया भैया, मैं एल टू आर टू बिल्कुल यूज़ नहीं करता था, और रिसेंटली आई थिंक पिछले कुछ मैचेस से IPL टाइम से स्टार्ट किया मैंने, मैं श्योर नहीं हूँ, बट उसके बाद से मुझे लगा जैसे बैटिंग हमारी काफ़ी सुधर चुकी है, 78 पे पहुँच गए अब तो हम। चलिए अगली गेंद, 81 बॉलें खेल ली हमने, शॉट के पीछे जो पावर आना शुरू हो गया ना अब, वो देख के मज़ा आ जाता है, देखिए ये कहाँ में एक आधा रन मिलता था, अब चौके जाते हैं ये सीधे सीधे,
और पीछे वाला गैप दे दिया इन्होंने, क्या बात है। ओ भाई हम भी गलती से फ्रंट फुट पे खेलने चले हुए थे, और ये कीपर और स्लिप के बीच में से एक और चौका, क्या बोलूं मैं। लास्ट बॉल आ चुकी है, पर देखा जाए हमने 3 बॉलें अभी तक कीमो बॉल की खेली है और कोई बहुत अच्छी खेल ही नहीं है सिवाय इसके। ये अच्छा चौका है, आराम से चौका आता हुआ। तो फाइनली ड्रिंक्स ब्रेक आ चुकी है वहां पे, श्रेयस अय्यर पानी लेके आ रहे हैं, कीमो पॉल आ चुके हैं वहां पे वापिस। ये गए कब थे, आई थिंक ये ही नहीं करा रहे थे लास्ट ओवर। चलिए जो भी है, 77 ओवर हो चुके हैं। अच्छी शॉट गेंद, कीपर बड़े बेकार है यार इनके। एक और चौका, क्या बात है भाई। चलिए 77.2 ओवर्स डन हो गए हैं। ये भी शॉट ठीक था, एक रन मिलेगा। टाइमिंग एकदम से खराब हो गई है जब से मैंने अपनी तारीफ कर दी, उसके बाद से बैटिंग थोड़ी खराब सी कर रहे हैं। अब शॉर्ट बॉल आ जाए यार, मैं पुल मार दूंगा इस टाइम, पर ऐसा नहीं होगा, ऑफ साइड पे आएगी। लेकिन ऑफ साइड पे हम अच्छा खेलते हैं, 4 रन और मिलेंगे यहाँ पे। शॉर्ट बॉल की वेट कर रहा था, गेंद आई अराउंड ऑफ स्टंप, बहुत अच्छा चौका। चलिए भैया कीमो पॉल अगला ओवर लेके तैयार, हम भी तैयार। अच्छी गेंद और कीपर कहते मैं नहीं पकड़ता। थिंक एक चौका तो भाई का हर ओवर में हमें मिल ही जा रहा है आराम से, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना विकेट बचा लो भैया यहाँ पे। चलिए भैया 341 पे खेल रहे हैं अगली गेंद इस ओवर की, और ये भी काफ़ी बाहर है। आई थिंक टेस्ट मैचेस में बेटर रहेगा मैं बाद में कमेंट्री करूँ, यार बोर हो जा रहा हूँ साथ साथ कमेंट्री करते हुए, कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। और अच्छा पीछे फील्डर आ गया, एक ही रन मिलेगा। फील्डिंग कब देखी नहीं है हमने काफ़ी टाइम से, वही 2-3 शॉट इस टाइम पक्के लग रहे हैं अपने, आराम से उन्हीं से चले हुए हैं। केमार रोच वापिस आ चुके हैं, 80 ओवर हो चुके हैं, आई थिंक उन्होंने नई बॉल ले ली होगी। जी हाँ बिल्कुल ले ली है, क्या बात है। दिखा दे हुए वहाँ पे अंपायर कि भैया नई बॉल आ गई है, बच के खेल लियो, 94 पे वो शतक बना लो किसी तरह। अब यहाँ पे केमार रोच खतरनाक गेंदबाज है, पहली गेंद शॉर्ट गेंद बढ़िया लाइन पे, अब मज़ा आएगा। लेग साइड पे एक अच्छा गैप है, उसी पे कंसंट्रेट करूँगा भैया अगली गेंद इस ओवर की। बिल्कुल बाउंस नहीं हो रही यार, हैरानी हो रही है मुझे ये। 4 रन निकल जाएंगे, क्या बात है। मुझे शॉर्ट बॉल भैया, मैं फ्रंट फुट पे चौका लगा गया, हैरानी की बात है, पर चलिए अच्छी बात है, अच्छा चौका, कोशिश अच्छी थी, पर रिजल्ट नहीं आया। और 98 क्या शतक बना पाएंगे, क्या यहाँ पे अपना पहला टेस्ट मैच सेंचुरी बना पाएंगे भैया। अरे भाई ये लेग बाई का रन पड़ेगा, और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अब इन बॉलों को खेलूँ कैसे। मैं तो सोच रहा था भाई हमने हुक पुल बढ़ाया था अपना। चलिए स्मिथ आ चुके हैं और 81 ओवर्स हो चुके हैं, साथ में आई थिंक श्रेयस गोपाल भी बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं भैया। अरे नहीं यार, नहीं भाई, नहीं, ऐसे मत करो। अरे यार रिव्यू लेना तो बनता नहीं है यहाँ पे, नहीं। ओ भाई इतनी बड़ी गलती, 19 चौके 20वें चौके की कोशिश में अपना विकेट गिरा दिया यार। ओ हो, चलिए अंकुश फैंस आ चुके हैं, अब जो हो गया सो हो गया भाई। क्रेग ब्रेथवेट वहां पे बैटिंग कर रही है, क्या बढ़िया भैया। 2 मैचों में 5 विकेटे हमने लिए, बॉलर हम अच्छे हैं यार, बॉलिंग अच्छी कराते हैं। और 484 रनों से अभी भी पीछे है, पता नहीं कौन सा यहाँ पे अलग ही आ गया था। तो भैया चंद्रपॉल हेमरा, डैरन ब्रावो है वो, ओके, और निकोलस पून अभी भी हैं, कीपर इनके निकोलस पून होंगे। और चलिए जो भी हमने बनाए कितने, 517। तो हमारे बाद भैया देखा जाए 50 वहाँ पे अंकुश पैंस ने बना दिए, राहुल चहर 47, पृथ्वीराज 46, क्या बात है। चलिए भैया पहली गेंद कराएंगे, विकेट की आशा रखेंगे, स्लिप स्लिप्स हमने बहुत ज़्यादा रखी हुई है। और पहली गेंद पे क्या एज लगेगा, ओ भैया 4 रन मिल जाएंगे। अच्छी स्पीड से आई है गेंद, और
चौका मिलता हुआ, लेकिन बढ़िया बॉल थी ये। चलिए भाई अगली गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद आ चुकी है। ओ भाई क्या बॉलिंग हो रही है। चलिए दूसरा ओवर आ चुका है और वेस्ट इंडीज काफी तेज खेल रहे हैं। 10 ओवरों में 44 रन बना दिया उन्होंने। बहुत ही फास्ट क्रिकेट खेल रहे भैया। ये अच्छा शॉट है, 1 रन उन्हें मिल जाएगा और पकड़ लियो भैया। तो मुझे लगता नहीं दोबारा यहाँ पे बैटिंग आएगी अनलेस अंटिल वेस्ट इंडीज बहुत ही बढ़िया खेल दे, क्योंकि हमारा डाउन भी नीचे है तो थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं। डैरन ब्रेवो आ चुके हैं, ये बहुत अच्छा खेलते हैं भैया, हमारी तरफ से खेल के आए हैं। हम इनकी कप्तानी कर रहे थे अभी, और अभी हमारे अगेंस्ट खेल रहे हैं, फॉर्म में है, देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। चलिए 12 ओवर वहाँ पे हो चुके हैं और 47 टीम का स्कोर है। यार ये बार बार स्टैमिना के क्यों वहीं जा रहा है साइड पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बार बार देखना। स्टैमिना बॉलिंग एफर्ट भाई नहीं कर रहा मैं। चलिए दूसरी गेंद इस ओवर की, और ये भी एज लगेगा, 4 रन मिल जाएंगे। अरे भैया दो एजेस और दोनों इनर एजेस, ये वाला तो भैया। पांचवी गेंद और मैं यहाँ पे बाउंसर करा के चेक करना चाहता हूँ कि आप वाकई भैया बाउंस कम है। अरे नहीं, अरे भाई, ओ हो, बाउंस कम नहीं है भैया, वेस्ट इंडीज के बॉलर खराब हो चुके हैं। एक और बाउंसर कराते हैं। चलिए लास्ट बॉल है इस ओवर की और मैं फिर से एक और बाउंसर कराने वाला हूँ, और ये गलत लाइन पे था और लेग स्लिप का फायदा हो गया, रन नहीं मिलेगा। चलिए 3 ओवर 9 रन और नया सेशन आ चुका है, पिच ड्राई हार्ड। चलिए भैया देखते हैं, आई थिंक मैं मैक्सिमम 2 या 3 ओवर और कराऊंगा अब, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती नहीं भैया PS4 पे, और एपिसोड भी बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैं दोबारा और रिकॉर्डिंग करूँगा। चलिए दूसरी गेंद आती हुई इस ओवर की, ब्रावो स्ट्राइक पे है, लेग साइड की गेंद ये। अरे थ्रो थ्रो थ्रो, ओ भैया बढ़िया, क्या बनेगा, अच्छा शॉट। 2 रन यहाँ पे इन्हें आई थिंक आराम से मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। रिसेंटली आई थिंक काफ़ी अच्छी रनिंग शुरू कर दी है यही ने अब, बट इतनी भी नहीं की है भैया, सुपरमैन भी नहीं बने। 5वीं गेंद आ चुकी है इस ओवर की, अच्छी गेंद, अच्छा खेल रहे हैं यार ये, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, गैप में खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, दो दो रन ले रहे हैं। मैं भी गलत बॉलिंग करा रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों विकेट टू विकेट लगाऊँ, राउंड दी ऑफ स्टंप रखते भैया। लास्ट बॉल कराते हैं, जितनी मुझे था कि स्विंग मिल जाएगी उतनी मिली नहीं, पिछली 2 गेंदों पे यहाँ पे भी नहीं मिली इतनी, तो चलिए ओवर खत्म होगा। चलिए 17 ओवर हो चुके हैं, हम अपना अगला ओवर लेके तैयार। अनफॉर्चुनेटली एक भी विकेट हमें मिला नहीं है, बॉलिंग अच्छी हुई है लेकिन विकेट नहीं मिला भैया। चलिए भैया बॉलिंग 4 ओवर 15 रन, बहुत ज़्यादा अच्छी तो टेस्ट मैच के हिसाब से ये कहूँगा नहीं। और ये अच्छा शॉट है, इसी बीच बहुत ही अच्छा शॉट है, और आउटफील्ड रिसेंटली इनर फील्ड फास्ट है आउटफील्ड स्लो है, यहाँ जो इनर बाउंड्री से बॉल बहुत तेज निकलती है उसके बाद थोड़ी स्लो हो जाती है। 19 ओवर हो चुके हैं, अच्छा खेल रहा है वेस्ट इंडीज़ यार वैसे। मुझे लगा था इतनी बैटिंग कर नहीं पाएंगे, बट अभी तक कमाल कर दिया इन्होंने। ओ हो, ये बॉलिंग यार, बस ये यहाँ से एज लगवाना है। चलिए भैया 21 ओवर हो चुके हैं और ये फाइनली भैया लास्ट ओवर होगा, क्योंकि 1 घंटा हो गया यार और मुझे लगता है वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पे अगले एपिसोड में बाकी का मैच खेलना सही रहेगा, इस ओवर के बाद इसको ख़त्म कर देंगे भैया। अच्छा शॉट है इसी बीच है, 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 मिलेंगे, भाग मेरे भाई, 3 नहीं देने हैं, मिल जाएंगे यार आराम से 3 रन आते हुए। और शॉट अच्छा है ये, यहाँ पे तो 2 मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे 3 मिलने चाहिए, बट तो ओ भाई कहाँ भागना चाहते हो। चलिए भैया लास्ट बॉल आ चुकी है और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ख़त्म करते हैं। 1 घंटा जैसे मैंने कहा रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और लास्ट बॉल पे मुझे था शायद विकेट मिल जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं, और बॉलिंग में आज कुछ खास नहीं हुआ अपना। चलिए
चलिए स्किप करके देखते हैं, शायद बॉलिंग देना, बट ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए भाई, आई थिंक यहाँ पे मुझे बंद कर देना चाहिए, और यही उम्मीद करता हूँ। इस वाले मैच को कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे क्या बैटिंग मिलेगी या बॉलिंग मिलेगी, जो भी मिलेगा। तो चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, कोई भी बात है भैया कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा भैया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।